कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां मना रहे थे, द्रमन से राज धीमान जी एक ऐसी बंदरिया को लेके आए जिसे किसी ने बेरहमी से गोलियां मार दी थी। मुझे रात को वैसे कहीं पड़ा हुआ मिला है। हमारे पास पहुंचने से पहले राज धीमान जी ने उसे बचाने के लिए कई और जगह भी फोन घुमाए थे। मैंने काफी जगह कॉल की लेकिन किसी ने कॉल उठाई नहीं। किसी ने हमारे फॉरेस्ट के बंदे हैं उनको भी मैंने कॉल की, उसने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या कहा फॉरेस्ट वालों ने? वो बोलते आज मंडे है और आज छुट्टी है तो बंदर है, वैसे हमने ऑर्डर दे रखा है कि इनको मार दो, इस जानवर जो है वो इसको गोली मारने का आदेश है। फिर हमारी नजर उसकी छाती से चिपके हुए उसके एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर डरा हुआ सा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार उससे चिपक कर उसे यही बोल रहा हो कि माँ तुझे कुछ नहीं होगा, माँ तू बच जाएगी। ये देखो ये पूरा ये गोली लगी हुई है, इससे पूरा अंदर जो हो गया बेटा, ये गोली लगी हुई है नीचे है, इसके तीन गोली पीछे लगी हुई है। हम उन्हें तुरंत ही क्लिनिक ले आए क्योंकि वो हमारे पास जन्माष्टमी पर आए थे, तो ऑडियंस द्वारा सुझाए हुए नाम यशोदा और कान्हा के सिवा हमें उनके लिए कोई और नाम नहीं सूझे। यशोदा को एग्जामिन करते समय हमारी टीम ये समझ गई थी कि उसके बचने की संभावना कम है। उसकी आंख पर मैगेट्स लग गए थे जिस वजह से वो अपनी एक आंख खोल ही नहीं पा रही थी। एक मैगेट वुंड उसके पिछले हिस्से पर भी था और शरीर पर कई जगह गोलियां लगी थी। यशोदा को पालमपुर वेटनरी हॉस्पिटल ले जाने पर यह पता चला कि उसे लगी हुई गोलियां उसने खुद ही खुरच के निकाल दी थी, लेकिन अभी भी उसे कई गहरे घाव थे जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। हमारी टीम उसका इलाज नर्व टॉनिक्स, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर से करती रही। अब यशोदा की हालत देख के और उसकी हालत का जो असर कान्हा पे था वो देख के, तो जिस व्यक्ति ने यशोदा को गोली मारी वो खुद कह देता कि भाई हाँ, चाहे हिमाचल में कानूनी तौर पे बंदरों को मारना सही है, पर ये मुझसे बहुत गलत हुआ। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कानूनी तौर पे तो सही हैं पर इतनी गलत कि अगर हम उन्हें देख लें तो कभी उनका सहयोग ना करें, और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इन बातों को हमसे छुपाती हैं। खैर, यशोदा की ट्रीटमेंट के दौरान कान्हा चुपचाप अपनी माँ से चिपक कर उसके ठीक होने का इंतजार करता रहा। यशोदा का एक हाथ अभी भी पैरालाइज्ड है, लेकिन जैसे जैसे वो ओवरऑल ठीक होने लगी है हमें इस माँ बेटे के जोड़ी का असली रूप दिखने लगा है। यशोदा फार्म के फ्रूट्स का खूब लुत्फ उठाती है और कान्हा कभी लटक लटक कर रविंदर भैया के हाथों से खेलता है तो कभी डॉक्टर गुलशन के साथ खूब शरारतें करता है। हाँ, वो बात अलग है कि कान्हा की इन शरारतों का ट्रीटमेंट यशोदा खुद ही उसे एक चम्माट लगा के कर देती है। अब यशोदा कान्हा को तो मान लीजिए जैसे कृष्ण जी ने खुद हाथ दे के बचा लिया हो, पर बहुत सी यशोदाएं और बहुत से कान्हा आपके घर के इर्द गिर्द भी हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। हाँ, और एक बात और, अगर आपको लगता है कि यशोदा कान्हा की कहानी सुन के किसी के दिल में जानवरों की मदद करने का जज्बा जाग सकता है तो इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा।